पाकिस्तान सुपर लीग 2024 का मैच नंबर 17 कल लाहौर कलंदर्स और पेशावर जलमी के दरमियान रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पेशावर जलमी के बाबर आजम और लाहौर कलंदर्स के फखर जमान अपनी अपनी टीम के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। आज की वीडियो में हम इन दोनों प्लेयर्स के PSL रिकॉर्ड्स का कंपैरिजन करेंगे। इनमें से आपका फेवरेट कौन सा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले अगर हम मैचेस की बात करें तो बाबर आजम PSL के 79 मैचेस खेल चुके हैं, जबकि फखर जमान 68 मैचेस खेल चुके हैं। तो तजुर्बे के लिहाज से दोनों प्लेयर्स लगभग बराबर ही नज़र आते हैं। बाबर आजम के PSL रन्स की तादाद 2995 है, जबकि फखर जमान के रन्स की तादाद 1850 है। तो रन्स के एतबार से बाबर आजम फखर जमान से काफ़ी आगे नज़र आते हैं। अगर तेज़ी की बात की जाए तो बाबर आजम PSL में लगभग 125 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, जबकि फखर जमान का स्ट्राइक रेट लगभग 137 है। अगर सेंचुरियों की बात करें तो दोनों प्लेयर्स का पलड़ा बराबर है, जहां दोनों ने अब तक PSL में एक एक सेंचुरी बना रखी है। फिफ्टियों की बात करें तो बाबर आजम का पलड़ा भारी नज़र आता है, जो अब तक PSL में 28 फिफ्टियां बना चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ फखर जमान की फिफ्टियों की तादाद 19 है। इसके बाद अगर छक्कों की बात की जाए तो फखर जमान काफ़ी आगे नज़र आते हैं, जहां बाबर आजम ने 53 छक्के लगा रखे हैं, जबकि फखर जमान 82 मरतबा गेंद को फिजाई रास्ता दिखा चुके हैं। PSL के तमाम रिकॉर्ड्स को देखते हुए हम इस सारे एनालिसिस के बाद बाबर आजम को 100 में से 55 नंबर देंगे, जबकि फखर जमान को 45 नंबर देंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।